करते हैं कि आप एकदम सही से होंगे। एंड ऑन द लास्ट वी हैव फिनिश्ड विद द क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने 11th एंट्रेंस का मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर, है ना, दैट इज प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी देखेंगे हम लोग, बहुत ही निहायत ही आसान चैप्टर है। पहले इसका जल्द से जल्द ना इसका आउटलाइन देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कंसीडर इन दिस चैप्टर। आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, आप चैप्टर के अंदर का आउटलाइन जानते हैं जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी कहते किसको, है ना, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी का सही डिफिनेशन, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और डिफरेंट अप्रोचेस दिए गए हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। शायद आपको याद होगा आपने अपने प्रोबेबिलिटी 7th 8th पे पढ़ना शुरू किया था, लेकिन 9th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है और 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी दोनों में क्या फर्क है, और क्या इस प्रोबेबिलिटी को क्लास 11 तक ले जाया गया है, बोला बिल्कुल आप देखेंगे। हमारे पास 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे जानेंगे प्रोबेबिलिटी और कुछ मैथमेटिकल डिफिनेशंस या उसके फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सेकंड वी विल सी सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है प्रोबेबिलिटी को समझना है तो इन डिफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। जैसे एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है या इवेंट किसे कहते हैं या इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, इस तरह के डिफिनेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड विल सी सम इंपॉर्टेंट नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट एकदम 500 रुपए के हिसाब से नोट समझ लेना। सम इंपॉर्टेंट नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, करीबन 6-7 नोट लिखा होगा। इसी नोट से तो बहुत सारे सवाल, मतलब एज डिज आ गए, इस नोट को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है तो आप लोग इस चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 4। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट, है ना, सम इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स पे हम लोग सवाल करेंगे, ना, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे भाई व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी जब एक कॉइन टॉस करें या दो कॉइन टॉस करें या 3 कॉइन टॉस करें। वैसे पहले दो तो आसान होते हैं, मेन हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे भाई अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस होता है, क्या क्या आने के चांसेस हैं, आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देन वी विल सी द केस ऑफ डाइस, एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा, दो डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा, मेन हमें दो डाइस पे फोकस करना है। देन इसमें एक और केस आता है जैसे नंबर कार्ड, कि भाई 1 से लेकर 100 तक हमने किसी कार्ड पर लिख के डाल दिया है तो एक रैंडम कार्ड निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, उसको हम लोगों ने नंबर कार्ड्स के फॉर्म में दिया है। और एक बहुत आसान वाला केस होता है ना बॉल्स का केस, केस ऑफ बॉल्स, वो वर्बली आप इतना समझते हैं भाई 3 green balls 4 red balls डाल दिया गया और रैंडम एक बॉल निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक रेड बॉल आएगा, जितने रेड थे ऊपर लिख के डिवाइड बाय सम ऑफ द बॉल्स जितने भी बॉल्स दे रखे हैं। तो बड़े आराम से उस तरह के सवाल में लिख रहा हूँ, बच्चों वाले सवाल है जैसे लिखती है। देन इसमें एक बहुत अच्छा सा केस होता है डेक ऑफ कार्ड, है ना, एक ताश के पत्तों पे जो प्रोबेबिलिटी के सवाल बनते हैं। तो यहाँ पे एक बार आप अगर कार्ड को समझ लिए तो प्रोबेबिलिटी के सवाल ऐसे चुटकियों में बनते हैं। उसके बाद विल सी सम मिसलेनियस, है ना, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स या केसेस, जैसे आपके एनसीईआरटी में एरिया प्रोबेबिलिटी के दे रखा है सवाल, है ना, ये एरिया प्रोबेबिलिटी क्या होता है, या इनके अलावा भी क्या प्रोबेबिलिटी के सवाल बन सकते हैं, मतलब बिल्कुल बन सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पे, कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देखेंगे और इस तरह से अपना प्रोबेबिलिटी फिनिश करेंगे और 2 चैप्टर अपना फिनिश करेंगे। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 15 लास्ट चैप्टर और 10th क्लास का भी चैप्टर नंबर 15, 2 चैप्टर हमारा फिनिश होगा। और अगर इस चैप्टर का, इस प्रोबेबिलिटी का अगर वेटेज की अगर हम बात करें तो जरा लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स देखते हैं, जिससे 2019 में 2 सवाल आया, उससे पहले भी 2 सवाल, उससे पहले 3 सवाल, उससे पहले 0, मतलब 2016 में 1 भी सवाल नहीं था। अभी तक की हिस्ट्री में मैथ्स में अगर किसी चैप्टर से लास्ट 10 सालों में 1 भी सवाल नहीं आया है वो चैप्टर प्रोबेबिलिटी, मतलब इतना निहायत ही गिरा हुआ चैप्टर। और अगर आप लास्ट 10 सालों का नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करेंगे ना, सबसे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर किसी चैप्टर से आया तो वो भी प्रोबेबिलिटी है। टोटल लास्ट 10 सालों में 17 सवाल है ना, लास्ट ईयर 2, उससे पहले 2, उससे पहले 3, उससे पहले 0, उससे पहले 1, उससे पहले 1, उससे पहले 1, उससे पहले 2, उससे पहले 3, उससे पहले 2, और एन एवरेज अगर देखा जाए तो 2 2 3 0 1 1 1 ना, तो 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है। अगर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे तो इतना मान लीजिए 0 तो एक ही बार हुआ, 1 से 3 सवाल तक के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और अगर एवरेज निकाले डिवाइड बाय 10 दिस गिव 1.7 यानी 1 से 2 सवाल था तो हम ले सकते हैं 1 से 2 सवाल, निहायत एकदम स्कोरिंग टॉपिक है, बड़े आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। अब ये 17
क्वेश्चन में से बड़ी खास बात, एक सवाल जब 2018 इनफैक्ट दो सवाल आया उसमें से एक सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, तो हम मानते हैं सिर्फ 16 सवाल है हमारे पास। अभी 16 सवाल में भी 9th के पार्ट से सिर्फ 3 सवाल और 10th के पार्ट से 13 सवाल, मतलब प्रोबेबिलिटी 10th क्लास की इंपॉर्टेंट है। और सच में देखो तो 9th क्लास में कुछ नहीं है, ना के बराबर आपकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है। तो मेन जो प्रोबेबिलिटी वो क्लास 11 सॉरी क्लास 10th में ही आपका चैप्टर नंबर 15 दे रखा है। तो ये 13 सवाल है, जैसा कि मैं अभी भी बता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा कि 9th क्लास का प्रोबेबिलिटी आसान मतलब कम इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी ज्यादा वेटेज रखता है। सेम इसका उल्टा है हमारा स्टैटिस्टिक्स में, अगर सवाल 20 के करीब आए हैं स्टैटिस्टिक्स में तो ये समझ लेना कि ज्यादातर सवाल आपके 9th से आए हैं और स्टैटिस्टिक्स के सवाल 9th से ज्यादा आए हैं बनिस्बत की 10th से। तो 10th में स्टैटिस्टिक्स के कम सवाल आए, दो तीन ही सवाल सिर्फ 10th के आए होंगे, बाकी सब सवाल आपके 9th से आए। तो 9th क्लास का स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है 11th एंट्रेंस के हिसाब से और 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात मैं उसको भी बताऊंगा आपको। और इसके अंदर कुछ छोटे मोटे ट्रिक है, एक सिंपल कुछ डायस के सवाल है या कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स के ट्रिक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को पॉज कर